अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। मुझे पता नहीं कि इस मंच की इसकी क्या प्रस्तावना है और हम किस लाइन पर यहाँ विचार रखें, परंतु मैं एक बात कहूँगा कि आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और जब हम बाबा साहब की बात करें तो जरूर याद करें उनके सपने को, क्योंकि जो बाबा साहब की बात है, बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब का जो सपना है, वो सच में आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस सपने को याद करना उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए एक सपना देखा था, समता का सपना, बराबरी का सपना, आजादी का सपना। पर आज की स्थिति में हम लोगों को ये सोचना है कि क्या 70 साल के बाद हम इस देश में वो बाबा साहब का जो सपना था, जो बराबरी की जो उनकी इच्छा थी, जिसके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, वो पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए, इस बात को हम सबको सोचना है। कि निश्चित है कि हमने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, पर अभी भी हमें बहुत दूर तक जाना है। तो उस दूरी को तय करने के लिए हमें यहाँ सभी का साथ चाहिए और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें एक सद्भाव, एक संभाव का समाज दिखाई देता है। ये जो यहाँ जो गैदरिंग है, यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे बुद्धे ही इकट्ठा हुए हैं भगवान बुद्ध के विचारों के लिए, तथागत बुद्ध के विचारों के साथ आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमें यहाँ जरूरत है सद्भाव की, समता की, भाईचारे की, और यदि हमें आगे बढ़ना है, अभी यदि हमें समाज को सशक्त करना है, तो हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। और साथ ही मैं अपनी बात को ज्यादा शब्द लिए बिना खत्म करना चाहूँगा, क्योंकि शायद मैं उतना तैयार भी नहीं हूँ इस गैदरिंग को और ना मैं इस गैदरिंग के विषय को उस प्रकार से समझ पाया हूँ। और बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम लोगों को सभी को कुछ ना कुछ अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। हम लोग इसी प्रकार के प्रयास, जैसा आज हमारा ये प्रयास है, इसी प्रकार के प्रयास निरंतर करते रहें और विस्तृत तरीके से करते रहें, ताकि हम बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हों। कम से कम हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश देंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।